अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। बस थोड़ा दूर ले लो। जी सर, क्या कुछ घटना हुई थी सर देर रात में? ड्राइवर से पैसे वैसे मांगे तो वो उतर के उनके पास गया। उससे हम तो हमारे को पगड़ी के कार्यक्रम में जाना था तो हम वहाँ चले गए। जी ये करते रहे, पुलिस को हमने सूचना दी, पुलिस ने बड़ी तत्परता से उस गाड़ी को हमारे सुपुर्द कर दिया। पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो क्या ड्राइवर ने क्या कुछ बताया था, क्या कैसा कैसा? नहीं साहब, उसके लिए कहीं पैसे वैसे मांग रहे थे दारू वारू पीने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें तो उनके काफ़ी मतलब आप पुलिस ने तत्परता से काम किया, आप धन्यवाद। पुलिस बहुत धन्यवाद की बात है। ठीक, आपका शुभ नाम बता दीजिए। जगदीश विजयवर। ठीक, अकोजा से ना? अकोजा। ना आपको पता चल चुकी है, सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन द्वारा जो आज त्वरित कार्रवाई की गई है, ऐसे बिरले ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। आपके जीवन में इतनी त्वरित कार्यवाही की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। और मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि विद इन 3 आवर्स पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी लगे हैं। मैं स्वयं साइट पर मौजूद था, वो जो है पूरे दौड़ भाग करते रहे और हमको पल पल का रिपोर्टिंग देते रहे कि आपकी गाड़ी मिल गई है, गाड़ी मिलने के बाद गाड़ी आ रही है। हमें पुलिस के जो अधिकारी थे उन्होंने थाने में बुलाया, सारा उन्होंने हमें बताया और सारी चीज़ें तो सब गाड़ी भी बताई और गाड़ी को नुकसान पहुँचा है। लेकिन बहरहाल सिर्फ इतना सा कहना चाहेंगे कि पुलिस की इस तरह की कार्रवाई यदि निरंतर बिना किसी दबाव के चलती रहे तो शायद आम जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। सर ये थोड़ा जानते थे, जिससे बात आ रही थी कि ये लूट वाली घटना थी, ये लूट तो नहीं थी ना? लूट की घटना बताई जा रही थी, चल रही थी लूट की घटना। घटना के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये मेरे को ब्रदर हैं, साडू साहब हैं, अकोदिया से हैं और हम लोग यहाँ एक धार्मिक आयोजन में आए थे। पगड़ी रस्म थी, हम पगड़ी रस्म जो ही पूरी हुई और बाहर आए, हमको जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हो गया है, हैं बस उसके बाद जो है हम लोग थाने में गए और इसके अलावा कुछ भी मुझे पता। अब संतुष्ट है, पुलिस की एक्शन की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम। आपका कहाँ? सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक राजगढ़ रहता हूँ। ठीक थैंक यू। इस प्रकरण में लूट की सूचना थी और स्पष्ट अपुष्ट सूचना थी। जब इसको तत्काल राउंडअप किया गया तो इसमें एक व्यक्ति है जगदीश जी, वो अपने सेठ को और अपने परिवार को ले कर यहाँ पर आए थे एक पगड़ी के प्रोग्राम में। तो उनको रास्ते में रोक के कुछ लड़के थे, यश, आकाश और जतिन, शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब पैसे नहीं दिए तो उन्होंने उनकी गाड़ी तोड़ दी और उनके साथ गाड़ी उतार की, मारपीट की, तो उनको राउंड अप किया और लेके थाने आए। सर कैसा कुछ ये हादसा हुआ था सर? वो पगड़ी के कार्यक्रम में आया और ड्राइवर ने कहाँ की घटना थी पूरी, ये कुछ जानकारी? इसमें पगड़ी कार्यक्रम में वो आया था तो अवंतिका पुरी वहाँ पे रास्ते में जाते समय इसको रोका गया। सर ये जिस तरह से जो घटना घटी 2-3 घंटे के अंदर पुलिस ने तत्काल पूरी घटना का पर्दाफाश किया है। आप पुष्ट सूचना ये थी कि लूट की गई है जबकि मूलतः ऐसी कोई बात हुई नहीं। ड्राइवर का क्या कहना है सर? ड्राइवर ने कुछ बताया होगा सर? ड्राइवर ने बताया ना, वो आया था शराब के लिए, इससे पैसे मांगे, पैसे नहीं देने की बात इसके साथ मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ की। कौन सी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? इसमें 327, 427, 341, 294 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर कितने आरोपी अभी गिरफ्तार हो चुके हैं? तीन आरोपी हैं इसमें। जी सर, जतिन, यश, आकाश। और भी कुछ निकलने की संभावना है सर? अभी पूछताछ कर रहे हैं उनसे, इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, इसकी पूरी जानकारी निकलवाई जाएगी। सर ये जानकारी जो आए थे कहाँ से आए थे ये कार्यक्रम में? ये अकोदिया, शाजापुर। अकोदिया से। ठीक सर, ठीक।